2020 में पीएम मोदी से मुकाबला कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे या फिर नीतीश कुमार? के चंद्रशेखर राव करेंगे या फिर ममता बनर्जी? भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे रिस्पॉन्स से कांग्रेस उत्साहित है। गर्मी में एसी और ठंड में ब्लोअर एंजॉय कर रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की टी शर्ट की बदौलत अब कैमरे का लुफ्त उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दावा किया था कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। सबसे पहला रिएक्शन बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से आया। उन्होंने कहा, ठीक ही है, इसमें कौन सी बुराई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बाकी सब पार्टियों से बातचीत हो रही है, एक साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपकी भी नाम की चर्चा है, तब नीतीश ने कहा था कि मेरे बारे में झूठ चलता है, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कभी भी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनके पार्टी के नेता उन्हें पीएम मटेरियल जरूर बताते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत मौजूद है। सियासत भी गजब की चीज है, सामने वालों के सभी गुण मालूम रहता है, बस उसी को पता नहीं चलता जिसमें ये सारी खूबियां अटी पड़ी रहती हैं। नीतीश कुमार आजकल अपने इन्हीं खूबियों को ढूंढ रहे हैं। तकरीबन हर सप्ताह पत्रकार उनसे पूछ ही लेते हैं कि क्या आप 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे या फिर नहीं। नीतीश कुमार हर बार की तरह एक बार फिर कहते हैं कि वो तो सिर्फ केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी एकजुटता पर फोकस कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है। ग्राउंड वर्क से पहले बीजेपी होमवर्क को कंप्लीट कर लेना चाह रही है। बड़े ही गोपनीय तरीके से उस पर काम भी चल रहा है। मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग ना के बराबर है, जबकि विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस होमवर्क से पहले ग्राउंड वर्क को टटोल लेना चाह रही है। इसके बाद टास्क पूरा करने के लिए फोकस करना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति से बाकी विपक्षी पार्टियां साइलेंट मोड में चली गई हैं। सबके सब वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी धैर्य के साथ काम चलाना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि 1-to-1 फाइट सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी से होगी। ऐसे में नीतीश कुमार का प्लान दिल्ली ठंडे बस्ते में अब जाते हुए दिख रहा है। बिना कांग्रेस के विपक्ष के किसी भी रणनीति के सफल होने की संभावना इसमें ना के बराबर है। पावर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि लाल किला वाले सपने की वजह से पाटलिपुत्र की धरती छूट जाए, लिहाजा उन्होंने लालू यादव से 2025 तक की गारंटी की डिमांड रखी है। अप्रूवल है कि नहीं इसके बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है, मगर नीतीश कुमार को इतना एहसास जरूर हो गया है कि दिल्ली फिलहाल बहुत दूर है। शायद यही वजह है कि पीएम पद के उम्मीदवार वाले सवाल पर खुद को किनारा कर लेते हैं और बार बार कर लेते हैं। राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर पटना में पत्रकारों से नीतीश ने कहा कि ठीक ही है, इसमें कौन सी बुराई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बाकी सब पार्टियों से बातचीत हो रही है, एक साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए उनके नाम के संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि उनके बारे में झूठ चलता है, उनकी कहीं कोई इच्छा नहीं है, उनकी सिर्फ इतनी इच्छा है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिलजुल कर लड़ाई लड़े, आपसी सहमति के साथ देश के विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सपना भी टूटता हुआ दिख रहा है। जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से नीतीश के बयान पर सवाल किया तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा, सब लोग का अपना अपना इच्छा होता है, सब लोग अपना बोलता है। नीतीश जी ने साफ कहा है उनका जो मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिशन को एक साथ करके चुनाव लड़ाया जाए। राहुल गांधी के नाम पर सहमति को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग बात करेगा तब ना, अभी की किसी के नाम पर भी कुछ कहना गलत होगा, सब टाइम बताएगा। नीतीश को पीएम मटेरियल बताने वाले जदयू कोटा के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, उसके बावजूद भी बार बार आप लोग क्यों पूछते हैं। इसके बाद कैमरे को चीरते हुए वो निकल जाते हैं।